हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको अपना फैब्रिक दिखा देती हूँ कि किस तरीके का मेरा फैब्रिक है। गाइस, मेरे फैब्रिक में इस तरीके का प्रिंट है, काफ़ी खूबसूरत ये प्रिंट है। बट गाइस, इसमें है ना दो तरीके का प्रिंट है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का प्रिंट है। तो गाइस, दूसरा प्रिंट ये है जो कि ऊपर नीचे हमारा सेम ही प्रिंट है, बीच में हमारा अलग प्रिंट है। थोड़े से फैब्रिक में, लगभग 1 मीटर फैब्रिक में इतना प्रिंट होगा ये, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं इसकी चोली बनाऊंगी, तो इसको पहले हम अलग कर लेंगे। आप देखिए, सारा प्रिंट एक जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। तो इस प्रिंट को अपनी चोली की लेंथ के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। जैसे कि मुझे अपनी रेडी लेंथ चाहिए 15.5 इंच, तो इस फैब्रिक को मैं 15.5 इंच कट करूँगी। तो देखिए, मैंने कट कर लिया है। इसमें थोड़ा सा पार्ट प्रिंट वाला आ गया है, फ्लावर प्रिंट वाला, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, 15.5 इंच मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। अगर आप कम रख रहे हैं तो आप कम भी ले सकते हैं। अब हम इस तरह के कपड़े को फोल्ड करेंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। देखिए इस तरीके से, शोल्डर मैंने लिए है यहाँ 6 इंच, आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया है यहाँ, और जो चेस्ट मैंने लिया है वो गाइस 8 इंच लिया है। एंड इसके बाद में हम प्लेट्स के लिए लेंथ का निशान लगाएंगे, तो 12.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने यहाँ। उसके बाद में गाइस, कमर का चौथा भाग लिया है मैंने 7 इंच, 1 इंच प्लस का है, उसमें डार्ट का ऐड किया है, फिर उसमें 2 इंच मार्जिन प्लस किया है। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं, निशानों को हम सीधा कर लेंगे। अब अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे हम। तो देखिए किस तरीके से मैं निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, और 10 इंच लेंथ लेंगे हम प्लेट की ऊपर से। तो देखिए, आर्म होल की गोलाई यहाँ मैं दे रही हूँ, बैक एंड फ्रंट दोनों की। गाइस, मैं नेक इसमें बुकरम पे बनाऊंगी, इसलिए मैं नेक कट नहीं करूँगी। इन दोनों फैब्रिक को कट करके अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने आर्म होल कट कर लिया है, नीचे से लेंथ भी कट कर ली है। गाइस, आपको कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने साथ साथ कटिंग की है एंड साथ साथ ही स्टिचिंग की है। ये देखिए, अब इन दोनों फैब्रिक को अलग कर लेंगे, बैक एंड फ्रंट पार्ट को। गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देना तो उसको इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा, बिकॉज गाइस मेरा घर ऑन रोड है। तो देखिए, फ्रंट आर्म होल यहाँ दे देंगे हम, कट कर लिया मैंने फ्रंट आर्म होल। नेक मैं यहाँ बुकरम पे बनाऊंगी, इसलिए मैं इसमें कट नहीं करूँगी, बुकरम वाले पार्ट पर करूँगी। अब गाइस, इसको मेन फैब्रिक पर रख के एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैं रख रही हूँ इसको, फोल्ड करके 4 फोल्ड किया है मैंने इसको। अब इसको एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं यहाँ कट कर लूँगी। गाइस, आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, रेलवे स्टेशन भी मेरे घर के पास ही है। तो देखिए, आप इस तरीके से हम रखेंगे इस तरह के फैब्रिक पे मेन फैब्रिक को, इसको पिनअप कर लेंगे, जिससे कि हमारा ये कपड़ा फिसले नहीं। गाइस, मेरा कपड़ा तो बहुत ज़्यादा फिसल रहा था, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर आप क्रेयॉन या कॉटन में इस ड्रेस को बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप पिन लगा लीजिएगा पहले दोनों ही पार्ट में। देखिए, यहाँ पिन लगा रही हूँ मैं इस तरीके से। ये हो गया हमारा पार्ट रेडी। मैंने लास्ट पिन ये मेरी लग चुकी है यहाँ, इस तरीके से मैंने इसको पिनअप कर लिया है। सेम ऐसे ही हम दोनों पार्ट को पिनअप करेंगे। तो देखिए, दूसरा पार्ट मैंने पहले से रेडी करके रखा था पिन लगाकर, ये हो गया रेडी। अब बुकरम का पीस लेंगे हम, इस पर मैं 3 इंच की तो विड्थ लूँगी अपनी नेक की। तो पहले 3-3 इंच करके निशान लगा लेंगे पूरे पे, एंड एक साइड से इस बुकरम के पार्ट को सीधा करेंगे। फिर उसके बाद में हम लेंथ का निशान लेंगे, मैंने लिया है यहाँ 7.5 इंच पर। आप कम रख रहे हैं तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा रख रहे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। गुलाई दूंगी मैं यहाँ, राउंडी शेप में नेक बनाऊंगी। अगर आप कोई अदर शेप में बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कट कर सकते हैं।
देखिए मेरा ये कट हो चुका है, इसको मैं अस्तर के फैब्रिक पे कट करूँगी। गाइस मैं घर पे जितनी भी चाहे कोशिश कर लूँ, मेरे घर पे आवाज़ आती ही है बैकग्राउंड से ऑन रोड कर होने का। गाइस यही एक प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको रेडी कर लिया है, बुकरम को स्टिच करके। इस वाले पार्ट को आपको दिखाया था जिस तरीके से, एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे नेक में से। तो ये हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे। इस पे मैंने सिलाई लगा ली है एंड बैक पार्ट पे भी, दोनों पे मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर लिया है, एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक निकल रहा था मेरा। अब ऐसे मैं इसे भी फोल्ड करके बीच से फ्रंट वाले पार्ट को बीच में एक कट लगाऊंगी और इसको कट पे लाइन को सीधा कर लेंगे, सीधी लाइन लगा लेंगे नीचे तक, जिससे कि हमें अब दिख सके कि हमारा नेक कहाँ लग रहा है, सीधा लग रहा है या फिर टेढ़ा जा रहा है। इस तरीके से नेक में भी एक कट लगाएंगे हम फोल्ड करके। अब इसको हम रेड स्टिच कर लेंगे। पहले तो हम इसमें पिन लगा लेंगे जिससे कि ये फिसले नहीं, हमारा नेक इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए यहाँ मैंने पिन्स लगा ली हैं। आप चाहे तो इसको कच्चा भी कर सकते हैं, बट मैंने पिन ही लगाई है। तो गाइस इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है इस पर। गाइस आपको बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है, साइड साइड में सिलाई लगानी है एंड थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे नेक को। तो देखिए हमारी नेक यहाँ कट हो चुकी है। अब इसके बाद में हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जहाँ पे भी हमारा राउंड आ रहा है, इससे में पलटने में आसानी होगी नेक को। तो देखिए हमने पलट लिया है। इस पर मैं दोनों साइड मैंने सिलाई लगाई है, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अब प्लेट्स लगाएंगे दोनों ही पार्ट में, फ्रंट एंड बैक में। तो देखिए प्लेट्स लगा के मैंने रेडी कर लिया है इसको, दोनों पार्ट को। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। उसके बाद उससे पहले गाइस हम आर्म होल नाप ले लेते हैं। मेरा आर्म होल नापने के लिए गाइस स्लिप्स की कटिंग के लिए दो तरीके ले सकते हैं आप आर्म होल, दो तरीके से। एक तो आप अपने चेस्ट का ले लीजिए, उसमें एक इंच कम कर दीजिए, या फिर आप आर्म होल लेकर मेजर करके अपना उसमें एक इंच कम कर दीजिए। तो मैंने यहाँ फैब्रिक ले लिया है, आर्म होल से एक इंच कम कर दिया है। मोहरी की साइड से मैं ले रही हूँ 4 इंच, उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करके और 3 इंच डाउन करके शोल्डर की साइड से उसको मिला लिया है मैंने। अब इसको हम कट कर लेंगे स्लीव्स को। लेंथ यहाँ रखी है मैंने 20 इंच के तंते और 2 इंच उसमें प्लस किया है मार्जिन का, तो यहाँ 22 हो गई। आप चाहें तो कम ज़्यादा जितनी आपकी लेंथ है आप रख सकते हैं। आपको फुल नहीं बनानी है तो आप मत बनाइएगा, स्लीवलेस बनाना है तो आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं इसको। तो गाइस देखिए यहाँ मेरी स्लिप्स कट हो चुकी हैं, बीच में हम कट लगा लेंगे। अब उसके बाद में हम फ्रंट वाले पार्ट में गहराई देंगे। गाइस मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसल रहा था, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई इसको कट करने में काफ़ी। तो देखिए यहाँ मेरी कट हो चुका है, फ्रंट आर्म होल के लिए गहराई दे दी है मैंने। ये हो गई मेरी स्लीव्स। अब देखिए हम यहाँ दोनों पार्ट के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करके स्लीव्स लगा के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगेगा। ये मैंने स्लीव्स भी लगा ली हैं एंड शोल्डर भी जॉइंट कर ली हैं। अब इसको हम फिटिंग लगाएंगे, साइड फिटिंग दोनों साइड से। और इस गाइस मैंने पीछे नेक नहीं बनाया है क्योंकि मैं नेक नहीं पहनती हूँ। अगर आप नेक नहीं पहनते हैं तो आपको छोटा नेक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। देखिए मेरा पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ जो बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने फोल्ड करके रखा है। उसके बाद में गाइस मेरे 28 इंच है मेरी कमर जो है, उसको मैंने मेरी कलियाँ निकलेंगी 14, तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड किया है 28 से। तो गाइस 2 इंच हो गया, उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके यहाँ कली कट कर ली है। 3 से 4 इंच आपको कली को सीधा रखना है, उसके बाद में आपको
कट कर लेना है। और ये मैंने यहाँ कली जॉइंट कर ली है इस तरीके से। अगर आप प्रॉपर कली कट करना सीखना चाहते हैं अपनी कमर के अकॉर्डिंग तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी आपके लिए, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है कली कट करने का। अब देखिए यहाँ जॉइंट करने के बाद मैं इसे 4 से 5 इंच के लिए यहाँ सिल लूँगी सीधा। अगर आपको पूरा ओपन रखना है तो आप पूरा भी ओपन रख सकते हैं, मुझे इतना ओपन अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा सिलूँगी इसको 4 से 5 इंच। उसके बाद में हम साइड फोल्ड कर लेंगे, नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैं रेडी करके आपको बताती हूँ इस पार्ट को, ये रेडी हो चुका है, ये मैंने फोल्ड भी कर लिया है नीचे से। और अब इसको गाइस आपको क्या करना है, फ्रंट में जो लेफ्ट साइड में जहाँ प्लेट डली हुई है ना, उस प्लेट पे आपको ओपन वाली साइड को रखना है। देन गाइस उस फैब्रिक को जो हमारा घेरा वाला है उसको रखना है उल्टा, एंड आपको चोली को रखना है सीधा, उसके ऊपर डालते हुए आपको स्टिच कर लेना है। आप देख लीजिएगा आपका फैब्रिक किस तरीके से सीधा आ रहा है, आपको उस तरीके से उसको स्टिच करना है। देखिए मैंने यहाँ ओपन वाले पार्ट को लेफ्ट वाले, ये देखिए गाइस आपको इस तरीके से रखना है इसको, एंड इस चोली वाले पार्ट को अंदर डाल देना है इसके। एंड उसके बाद में इस पर हमें सिलाई लगानी है सीधी, आपको बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। गाइस स्लिट जो होती है वो ज़्यादातर लेफ्ट साइड में ही डलती हैं तो इसलिए मैं लेफ़्ट साइड में डाल रही हूँ। तो देखिए आपको इस तरीके से स्टिच कर लेना है इसको, ये स्टिच करके मैंने रेडी करके दिखा दिया है। देखिए गाइस कितनी खूबसूरत हमारी यहाँ ड्रेस बनी है। आप इस तरीके की ड्रेस को आप जेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हैं, जीन्स के साथ पहन सकते हैं, या फिर आप पैंट के साथ भी पहन सकते हैं। गाइस मैं इसको पैंट के साथ वेयर करूँगी एंड वेयर करके भी आपको दिखाऊँगी, थंबनेल में लगी होगी पिक। तो गाइस देखिए ये ड्रेस हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।